अंतर्गत आने वाले ग्राम बठेना में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या को लेकर बेमित्रा में बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये विधानसभा क्षेत्र है। सिलसिलेवार घट रही घटनाओं को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मामले में राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जो निर्मम हत्या हुई, जो भी वहां गया और वहां की परिस्थिति ये देख करके कोई भी अंदाज लगा सकता है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, बार बार वो ये साबित करने में तुली हुई है कि आत्महत्या है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और वहाँ जा कर के जो देखने वाले लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि यह हत्या हुई। तो हम कोई ज़्यादा तो कह नहीं रहे, इतना ही कह रहे हैं कि उसको न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक जांच से वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम तो ये भी कहते हैं कि यदि आपसे ये मुद्दा संभलता नहीं है, आपसे जाँच नहीं हो पा रही है, तो NIA को ये जाँच सौंप दी जाए, जिससे सब बात साफ हो जाएगी। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पाटन क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग यानी सतनामी समाज के 5 लोगों का जो हत्या हुई है, उसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के आयोजन चल रहा है। हम लोग वहां गए थे, पूरे पूर्व मंत्री, अनुसूचित जाति के पूर्व विधायक, हमारे पूर्व सांसद सभी वहां जा कर के बठेना गए थे। और बठेना में जा कर के देखे तो स्पष्ट होता है कि कोई भी एंगल से आत्महत्या नहीं हो सकता। जिसको ये सरकार आत्महत्या बता रहा है, कोई भी वहाँ जाएगा स्पष्ट है कि वो हत्या ही लगता है, वो हत्या है। वहाँ हम लोग गए, उसके घर पे लगभग